दोस्तों, क्या आपको ये कहा जाए कि आपके खाने का मेन्यू एक उल्का पिंड की वजह से बदल गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? करोड़ों साल पहले जिस उल्का पिंड ने डायनासोरों को मारा था, उस महाविस्फोट ने इंसानों के खाने का मेन्यू ही पूरा बदल दिया था। आप ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन ये बात साइंटिफिकली सही है। सिर्फ बड़ी प्राकृतिक आपदा ने हम इंसानों के खाने के मेन्यू को पूरा बदल दिया था। जिस एस्ट्रॉइड की वजह से डायनासोर मरे थे, उसके बाद एक ऐसी चीज की उत्पत्ति करवा दी जो आज हमारे खाने का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। 660 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया। इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ, वो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 6500 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसी वजह से दुनिया से डायनासोरों की पूरी प्रजाति लगभग खत्म हो गई। 70% पेड़ पौधे खत्म हो गए। पूरी दुनिया में भयानक सुनामी आई, आग लग गई। लेकिन सबसे बड़ा यह बदलाव हुआ कि आज के आधुनिक इंसानों के खाने के मेन्यू में एक ऐसी चीज शामिल हो गई जिसके बारे में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। उल्का पिंड के टकराने से लाखों टन धूल मिट्टी और सल्फर धरती के वायुमंडल में जम गया। 2 साल तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंची। धरती पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक गई। पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलनी बंद हो गई, जिसके कारण पेड़ पौधे सब मर गए। बचे हुए डायनासोर और अन्य जीव खाने की कमी से मर गए। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो उसी माहौल के लिए पनप रही थी, और वो पनपती चली गई, पूरी दुनिया में फैलती गई, और आज पूरी दुनिया के खाने के मेन्यू का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। वो चीज मशरूम है। जी हाँ दोस्तों, मशरूम। यकीन नहीं होता ना? मशरूम ऐसा फंजाई है जिसे पनपने के लिए सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। ये है फंजाई, यानी आपका मशरूम, जिसे आप मशरूम मटर, कढ़ाई मशरूम, मशरूम दो प्याजा जैसे पकवान बनाते हैं। सच यही है कि मशरूम ऐसा फंजाई है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सरवाइव कर जाता है। अगर कभी दोबारा ऐसी आपदा आए, तो बचे हुए इंसानों के लिए ये खाने का मुख्य स्रोत होगा, क्योंकि उल्का पिंडों की टक्कर, ज्वालामुखियों के बड़े विस्फोट और परमाणु युद्धों से वही स्थिति पैदा होगी जैसी डायनासोरों के समय हुई थी। दूसरा, कई आपदाएं ऐसी भी हैं जो आपको भूखा मार सकती हैं। दोस्तों, अगर सूरज की रोशनी कुछ महीनों के लिए रुक जाए, तो खाने के सामान की कमी हो जाएगी, ना फसलें बचेंगी ना फल, फिर इंसान खाएगा क्या? तब आपको मशरूम से ही काम चलाना पड़ सकता है। सूरज की रोशनी ढकने की घटनाएं पृथ्वी पर कई बार हो चुकी है, भविष्य में भी होने की आशंका है। पहली बार इतनी भयानक स्थिति 74,000 साल पहले हुई थी, जब टोबा सुपर वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकली और पूरे वायुमंडल में छा गई। सूरज की रोशनी में 90% कटौती हो गई। इससे जो सर्दी का मौसम आया, उससे उस समय मौजूद इंसानों की प्रजाति की संख्या घटकर 3,000 हो गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट या परमाणु युद्ध की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है कि खाना खत्म हो जाए। अगर विश्व युद्ध हो और सैकड़ों हजारों परमाणु बमों को फोड़ दिया जाए, तो भी सूरज की रोशनी में 90% की कमी आ जाएगी। उसे न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु सर्दी कहेंगे। उससे पूरी दुनिया का तापमान औसत से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा। इतनी तेजी से तापमान के गिरने से खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, चारों तरफ बर्फ जम जाएगी, यहाँ तक कि वो जगहें भी बर्बाद हो जाएंगी जहाँ पर युद्ध का असर नहीं है, और फिर सूरज की रोशनी की कमी खत्म कर देगी। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि बिना सूरज की रोशनी से हमारा फूड चेन खत्म हो जाएगा। बिना खाने के डायनासोरों की तरह इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तब दुनिया पर किसका राज होगा? क्या आपको पता है? उस समय पूरी दुनिया में हो सकता है मशरूम का राज हो, क्योंकि मशरूम जिंदा और मुर्दा पेड़ों पर उग जाते हैं। सूरज की रोशनी हो या ना हो, इन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। मशरूम आपको विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रख सकता है। जैसे कि 3 फुट लंबा और 4 इंच चौड़ा लकड़ी का टुकड़ा 4 साल में 1 किलोग्राम मशरूम पैदा कर सकता है। मात्रा ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे खत्म होंगे, तो उन्हें खाकर और ज्यादा मशरूम पैदा होंगे। पेड़ों की सड़ी हुई पत्तियों से चाय बनाई जा सकती है। उन्हें गाय या चूहे खा सकते हैं। इनसे भारी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। चूहे भी मशरूम की तरह ही होते हैं। वो सेलुलोज को पचा सकते हैं, यानी वो बेकार लकड़ी को खा सकते हैं। इसीलिए मशरूम के पनपने के बाद जो चीजें बच जाएंगी, उन्हें चूहे खा सकते हैं। अगर ऐसी आपदा के बाद इंसान बचते हैं, तो वो मीट खाकर जीवन बिता सकते हैं। कीड़े खाकर प्रोटीन की कमी पूरा कर सकते हैं। बीटल्स लकड़ियां खा सकते हैं।
इंसान बीटल्स को खा सकते हैं, तब जाकर शायद इंसान बच सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इंसान मशरूम खाकर सर्वाइव कर सकता है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।